today I've come to a Gurukul called HemChandra Acharya in Sabarmati area in Ahmedabad in Gujarat. This Gurukul is following traditional way of learning, and there are students who come from different countries to learn various Indian traditional art as well as the modern subjects. With me is Mr. Navraj Acharya ji. He is one of the organizers and caretaker of this premises. He will tell us what all subjects are taught here and how they are running this school. Ji. Namaste, mera naam Pandit Navraj hai. Yahan ke sanchalak ji jo Uttam bhai hai, unke sahyogi ke roop mein kaam kar raha hu. Personal assistant bhi keh sakte hain. और ये विशुद्ध भारतीय परंपरा के अनुसार से हम गुरुकुल स्थापना किया है। यहाँ पर एडमिशन से लेकर के रहन सहन खान पीन बसाई व्यवस्था सब कुछ भारतीय परंपरा जिस तरह से ऋषि मुनि अध्ययन अध्यापन किए करते थे उस तरह का ही एक ये मॉडल के रूप में हमने तैयार किया। Music class where students are learning various instruments, and they all are Indian instruments. Indian instruments, yes. They are learning art and craft today. This is one of their sessions which they have in Gurukul, and there are the students are below 10 years. Yes. 10 years. Residential area of all the Gurukul students. Very interesting. Carving done. The cow dung is spread on the wall, following our tradition. As you can see, students live in a hostel style area. The interesting part is of this Gurukul is they are following Vedic style of living as much as possible, though it's difficult because you don't get everything which was available 100 years back. This is again residential area of the student. तिल को देसी घाड़ी में पीसते हैं और देसी घाड़ी में पीसने के बाद फिर उसको दिया जलाते हैं और दिया के ऊपर पात्र रखते हैं और फिर पात्र को क्या करते हैं, पात्र में जो काला काला जम जाता है जिस तरह से हम काजल तैयार करते हैं जी। तो उसको फिर काला काला जो जम जाता है तो फिर उसको ये खाल में रख के गंगा जल गौमूत्र देसी गुंदर मिक्स करके फिर इसको पर डे 8 घंटे के हिसाब से 1 महीने तक घोटते हैं। अच्छा, इतना फिर उसके बाद इसको परेड में लाते हैं। इसका आयुष्य 1400-1500 साल तक चलता है। 1400-1500 साल तक, which is 1400-1500 years, this ink can last. अभी गुरुकुल का हमारे यहाँ स्वरूप ऐसा रहा कि
कि पहले गुरु के पास ही छात्र रह करके जिसको पढ़ाते हैं और गुरु शिष्य परंपरा से उसको गृह गुरुकुल आज हम कह सकते हैं, और बाद में कालक्रम से एक हमारे यहाँ की मूल रूप से तो अध्ययन माता पिता से ही करना, माता प्रथम गुरु, पिता द्वितीय गुरु, यह क्रम रहा है। आचार्य तृतीय, आचार्य के पास तीसरा क्रम आता है, तो इसी क्रम में लेकिन काल का प्रभाव ऐसा होने से अभी हमारे यहाँ आचार्य की दृष्टि से ही गुरुकुल चल पा रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ उपाध्याय बोलते हैं, उपाध्याय परंपरा, जो दक्षिणा लेकर के पढ़ाना, हालांकि शास्त्रीय दृष्टि से थोड़ा निकृष्ट माना है उसको, परंतु दूसरा विकल्प न होने से यह परंपरा आज चल रही है। और ये सब देश भर में प्रवास करने के पश्चात इन सब गुरुकुलों का अवलोकन करके ये हमने देखा कि आज वेद के कई शाखाएं लुप्त हो रही हैं और कई कलाओं भी नहीं मिल रहे हैं, तो हमने कुछ कुछ विषय जो लुप्त हो रहे हैं, जो एकदम बीज मात्र बचे हैं, उन विषयों को लेकर के नूतन गुरुकुलों का प्रारंभ किया। जैसे अभी हम पुणे में गुरुकुल एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, जो फिजिक्स का गुरुकुल, जो फिजिक्स पढ़ाया जाएगा वहाँ, वैशेषिक हम कह सकते हैं शास्त्रीय भाषा में उसको।